इस लेक्चर में एफसीएमए मॉक एमसीक्यूज का पार्ट टू सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में पार्ट ए में 1 से 25 तक सॉल्व हो चुके हैं पार्ट ए में, और पार्ट बी में जो है वो 26 से 50 तक हो चुके हैं। तो जो रिमेनिंग है वो पार्ट सी में सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 51 है, अ प्रोड्यूसर ऑफ डैश वुड नॉट यूज अ प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम। तो प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम क्या होता है? ईच यूनिट इज आइडेंटिकल एंड कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम एनदर। तो ऑप्शंस देखते हैं, गैसोलीन, पोटैटो चिप्स, ब्लैंक वीडियो टेप, स्टेन ग्लास विंडो। तो इसमें गैसोलीन और पोटैटो चिप्स तो आइडेंटिकल नहीं है, सिमिलरली स्टेन ग्लास विंडोज भी आइडेंटिकल नहीं है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, जिसमें है ब्लैंक वीडियो टेप, तो जिसका ईच यूनिट आइडेंटिकल होगा एंड कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एनदर। तो 52 देखते हैं, व्हाट इज एन इक्विवेलेंट यूनिट। इक्विवेलेंट यूनिट्स क्या होते हैं? जिन यूनिट्स पे अभी और कॉस्ट लगनी है, ठीक है, वो बेशक वो प्रोसेस वन के थ्रू से गुजर के आ रहे हों, लेकिन उन पे अभी फर्दर कॉस्ट लगनी होती है। तो ऑप्शन देखते हैं, अ यूनिट ऑफ आउटपुट विच इज आइडेंटिकल टू ऑल अदर्स मैन्युफैक्चर्ड इन द सेम प्रोसेस, नहीं। नोशनल होल यूनिट्स यूज टू रिप्रेजेंट अनकम्प्लीटेड वर्क, बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट है। अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इन रिलेशन टू विच कॉस्ट आर एसर्टेन्ड, नहीं। द अमाउंट ऑफ वर्क अचीवेबल, अमाउंट ऑफ वर्क अचीवेबल तो हो ही नहीं सकता ना, यूनिट्स हैं, अनकम्प्लीटेड यूनिट्स हैं जिन पर भी और कॉस्ट लगनी है। इक्विवेलेंट यूनिट्स क्या होंगे? अनकम्प्लीटेड वर्क वाले यूनिट्स होंगे जिन पर अभी और कॉस्ट लगनी होगी। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर बाय प्रोडक्ट। नॉट एन पूछ रहे हैं ना, द रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट इज क्रेडिटेड टू अदर इनकम, बिल्कुल ये ऑप्शन करेक्ट है, ये होता है एक एक्सेप्टेबल मेथड है। द बाय प्रोडक्ट इज वैल्यूड एट इट्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ परचेजिंग और प्लेसिंग द प्रोडक्ट, बिल्कुल ये ऑप्शन भी सही है। द रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट इज डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट, ये भी ऑप्शन सही है। ऑल ऑफ द अबव मेथड आर एक्सेप्टेबल अप्रोचिंग टू अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड। तो इसमें ऑप्शन जो 4 है वो सही हो जाएगा, मतलब डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जॉब नंबर B10 रिक्वायर्ड 380 लेबर आवर्स। तो आवर्स दिए हुए हैं, ठीक है, और उनका रेट पर आवर दिया हुआ है, तो हम इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। तो आवर्स कितने दिए हुए हैं? 380 आवर्स दिए हुए हैं और 60 आवर लगते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कराते हैं तो 22800 आ गया, ठीक है। लेकिन इसमें जो बता रहे हैं कि इट इज एक्सपेक्टेड दैट देयर विल बी 5% आइडल टाइम लिए। अच्छा, 22800 की ऑप्शन है, लेकिन ये अभी सही नहीं है क्योंकि इसमें अभी 5% आइडल टाइम लिए। तो 22800 जो है 95 पे है अभी, तो मैं 100 पे ले जाता हूँ। 95 पे क्यों है? क्योंकि इसमें से 5% तो आइडल टाइम था, तो आइडल टाइम वाले आवर्स हटे हुए थे, तो 380 एक्टिव लेबर आवर्स बचे हुए थे। तो 380 जो कि 95 पे थे, मैं उसको पूरा 100 पे लेके जा रहा हूँ, तो 24,000 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 55 का। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग ज्वाइंट कॉस्ट। ज्वाइंट कॉस्ट आर इजिली ट्रेस टू इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स। द प्राइमरी रीजन फॉर एलोकेटिंग ज्वाइंट कॉस्ट इज टू डिटरमाइन वेदर अ प्रोडक्ट शुड बी सोल्ड इमिडिएटली और प्रोसेस फर्दर, नहीं, ये रीजन होता है लेकिन ये एक प्राइमरी रीजन नहीं है ज्वाइंट कॉस्ट का, मतलब ज्वाइंट कॉस्ट उस वजह से नहीं हो रही होती। द प्राइमरी रीजन फॉर एलोकेटिंग ज्वाइंट कॉस्ट इज फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन, बिल्कुल, जो क्लोजिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट हमें चाहिए होती है इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए, उस रीजन की वजह से ये ज्वाइंट कॉस्ट हम लोग एलोकेट करते हैं। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ज्वाइंट कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ ओवरहेड नेवर ऑफ मटेरियल और लेबर, बिल्कुल नहीं। ज्वाइंट कॉस्ट में जो है मटेरियल, लेबर, ओवरहेड तीनों चीजें होती हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है कि ज्वाइंट कॉस्ट प्राइमरी रीजन क्या है लोकेटिंग ज्वाइंट कॉस्ट का? इन्वेंट्री वैल्यूएशन फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट ऑफ अ ज्वाइंट प्रोसेस वुड बी एलोकेटेड टू ज्वाइंट प्रोडक्ट, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, बिल्कुल, ये पूछ रहे हैं कि कौन सी कॉस्ट है ज्वाइंट प्रोसेस की जो एलोकेट होगी ज्वाइंट प्रोडक्ट में। तो तीनों, मटेरियल की भी, लेबर की भी, ओवरहेड की भी।
जैसे यहाँ पे भी मैंने बताया था कि ऑप्शन गलत इसी वजह से था कि इसमें इन्होंने बताया था ज्वाइंट कॉस्ट कंसिस्टेंट ऑफ ओवरहेड नेवर ऑफ मटेरियल और लेबर, तो इसलिए मैंने ये बोला कि ये गलत है क्योंकि तीनों कॉस्ट यूज हो रही होती हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज इनकरेक्ट। अच्छा, पेपर में क्या होता है कि क्वेश्चन तो प्रॉपर नहीं पढ़ते और देख लेते हैं कि भाई मतलब एज्यूम कर लेते हैं कि पूछ रहे हैं कि करेक्ट क्या है, जबकि इसमें से पूछा क्या है कि इनकरेक्ट। मैनेजमेंट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर डिफरेंस इनकरेक्ट है। फाइनेंशियल अकाउंट आर गवर्न बाय स्ट्रिक्ट अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन, मैनेजमेंट अकाउंट्स आर नॉट। बिल्कुल ये ऑप्शन तो करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंट्स जो होते हैं वो IFRS और IAS के थ्रू चल रहे होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू, जबकि मैनेजमेंट अकाउंट नहीं चल रहे होते हैं, तो ए तो सही है। हमसे इनकरेक्ट पूछा गया, देर इज अ लीगल रिक्वायरमेंट फॉर मैनेजमेंट अकाउंटिंग, नहीं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं होती, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लीगल रिक्वायरमेंट होती है, तो इनकरेक्ट वाला ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 58 का बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैनेजमेंट अकाउंट्स आर ऑफन रिक्वायर्ड फॉर इंडिविजुअल डिसीजन एंड और प्रोडक्ट, वेयर एज फाइनेंशियल अकाउंट यूजली कवर द होल कंपनी। बिल्कुल ये ऑप्शन भी सही है, फाइनेंशियल अकाउंट पूरी कंपनी को देख रही होती है, मैनेजमेंट अकाउंट एक डिविजन को देख रहे होते हैं। नेक्स्ट है, मैनेजमेंट अकाउंट आर मेनली फॉर इंटरनल पर्पसेज, वेयर एज फाइनेंशियल अकाउंट आर मेनली फॉर एक्सटर्नल पर्पसेज, ये ऑप्शन भी सही है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा क्योंकि इनकरेक्ट वाला पूछा गया था। 59 है, अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ सिंगल प्रोडक्ट, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 6,000 यूनिट्स इज 24,000 एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 20,000 यूनिट्स इज 60,000 विद इन द रेंज ऑफ एक्टिविटी लेवल, द टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन अनचेंज, व्हाट इज द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। तो इसको हम लोग हाई लो मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, कॉस्ट का डिफरेंस लेते हैं 60,000 माइनस 24,000, ये कॉस्ट का डिफरेंस आ गया, नीचे जो है डिवाइड में यूनिट्स का डिफरेंस लेते हैं, यूनिट्स है हमारे पास 20,000 माइनस 6,000, 20,000 माइनस 6,000, तो ये ऊपर हमने कॉस्ट का डिफरेंस लिया, नीचे यूनिट्स का डिफरेंस लिया, तो इनको अगर डिवाइड करा दें कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट, तो ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई। तो 2.57143, तो ऑप्शन ए हमारा इसमें सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेबर टर्न ओवर फॉर द पीरियड इज कैलकुलेटेड एज, तो लेबर टर्न ओवर कैसे निकलती है, जितने एम्प्लॉयज छोड़ के गए, ठीक है, जितने एम्प्लॉयज छोड़ के गए इसको डिवाइड करा देते हैं एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज से, जितने रहे ओवर द पीरियड, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लेफ्ट जितने एम्प्लॉयज छोड़ के गए उसको डिवाइड करा दिया एवरेज वर्क फोर्स से, तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लेफ्ट डिवाइड करा रहे हैं वर्क फोर्स एट द बिगनिंग, नहीं, बिगनिंग और एंड वाले को नहीं देखते हम लोग, इनका एवरेज लेते हैं, तो ये दोनों ऑप्शन जो बता रहे हैं ये बिगनिंग और एंड का बता रहे हैं ना, तो इसका एवरेज जो है वो ए ऑप्शन में आ रहा है, तो ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। करियर ऑफ अ मेल कंपनी इज पेड अ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ प्लस एन एक्स्ट्रा ₹2 पर मेल आर्टिकल डिलीवर्ड, तो जिस कॉस्ट में एक हम इसको फिक्स कॉस्ट पे कर रहे हैं 10,000 की पर मंथ, ठीक है, और एक इसको वेरिएबल कॉस्ट पे कर रहे हैं 2 पर मेल आर्टिकल, तो जिस कॉस्ट में दोनों आ जाए फिक्स कॉस्ट भी वेरिएबल कॉस्ट भी, उसको हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है, खाली वेरिएबल नहीं है, खाली फिक्स नहीं है। स्टेप कॉस्ट क्या होती है कि फिक्स कॉस्ट में इंक्रीज आया, फॉर एग्जाम्पल पहले 10,000 पे कर रहे थे, अब उसको हम 15,000 पे कर रहे हैं, अगर इस तरह से क्वेश्चन में दिया हुआ होता डेटा तो हम स्टेप फिक्स कॉस्ट पे जाते हैं, जबकि ऐसा डेटा नहीं है, उन्होंने बताया फिक्स कॉस्ट दी है और वेरिएबल कॉस्ट है, तो ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी या सेमी वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी, 61 का सी। 62 में है, कॉस्ट अकाउंटिंग कैन बी यूज टू असिस्ट इन प्लानिंग डिसीजन मेकिंग कंट्रोलिंग, बिल्कुल सारे ऑप्शन सही हैं, तो बी करेक्ट हो जाएगा जिसमें सारे ऑप्शन सही हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कॉस्ट अकाउंटिंग का यही फंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट है, द ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेशन मेथड दैट यील्ड द सेम ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज इज द, तो जिसमें सेम ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज आता है वो ऑप्शन है कॉन्स्टेंट ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज वाला,
ये सारे ऑप्शंस यूज किए जाते हैं एलोकेशन के लिए, एनआरवी, सेल्स टू प्रोडक्ट, फिजिकल यूनिट्स, कॉन्स्टेंट ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज। लेकिन इसमें पूछा गया है कि सेम ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज कुछ में आएगा, तो वो कॉन्स्टेंट ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज वाले मेथड में आते। डैश आर क्लोजेस्ट टू पॉलिसी एंड डिसीजन मेकर, बिल्कुल। तो जो हमारे मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स होते हैं वो होते हैं डिसीजन मेकर्स के सबसे करीब, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 65 में है ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेशन मेथड, डेटा साइंस ज्वाइंट प्रोडक्शन कॉस्ट बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ इवेंचुअल रेवेन्यू लेस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इज द, तो जिसमें ये एक एनआरवी मेथड होता है जिसमें एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस को एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल्स जो भी यूज हो रही होती है, या उसके बाद अगर एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट अगर कोई लग रही होती है तो जितने में वो बिकेगा वो, जितनी उसको बेचने में कॉस्ट आएगी वो, और अगर कोई फर्दर कॉस्ट उसको बेचने में आ रही है वो, तो इन सबको जब हम नेट करते हैं तो हमारे पास एनआरवी आ जाती है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शनल शेयर और इवेंचुअल रेवेन्यू लेस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो लेस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट एक एस्टिमेट ये आ रही है और एक ये फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट आ रही है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इंफॉर्मेशन इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, इंफॉर्मेशन इज कस्टमाइज फॉर डिसीजन मेकर, बी ऑप्शन सही है। इंफॉर्मेशन जो है वो कस्टमाइज होकर मिलती है डिसीजन मेकर को, लीगल रिक्वायरमेंट हैव टू बी फॉलोड, नहीं, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होता है। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्पेसिफिक यूनिट कैन नॉट बी ऑब्टेन, नहीं, स्पेसिफिक यूनिट की इंफॉर्मेशन ऑब्टेन होती है उनके पास, पता होती है उनको, तो इसका ऑप्शन जो है वो इंफॉर्मेशन इज कस्टमाइज फॉर डिसीजन मेकर, बी करेक्ट है। द सेकेंडरी प्रोडक्ट रिकवर्ड इन द कोर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आ प्राइमरी प्रोडक्ट ड्यूरिंग अ ज्वाइंट प्रोसेस। अच्छा, जब हम प्रोसेस कॉस्टिंग को सॉल्व कर रहे होते हैं तो ज्वाइंट प्रोसेस से गुजरते हुए एक हमें बाय प्रोडक्ट मिलती है, ठीक है। प्राइमरी प्रोडक्ट क्या बोल रहे हैं, द सेकेंडरी प्रोडक्ट रिकवर्ड इन द कोर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आ प्राइमरी प्रोडक्ट, एक हम प्राइमरी प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो इसको बनाते बनाते एक हमें सेकेंडरी प्रोडक्ट हमारा बन गया खुद से ही, इस प्रोडक्ट को बनाते बनाते ही, तो वो जो सेकेंडरी प्रोडक्ट होता है उसको हम बाय प्रोडक्ट कहते हैं, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 68 में क्या है, द डैश एलोकेट्स ज्वाइंट प्रोडक्शन कॉस्ट बेस्ड ऑन ईच प्रोडक्ट शेयर ऑफ रेवेन्यू एट ए स्प्लिट ऑफ पॉइंट्स। तो ये कितने मेथड है ना, इन सबका अलग अलग से एक एमसीक्यू पूछा हुआ है। सबसे पहले ग्रॉस मार्जिन वाला पूछा था, फिर उसके बाद एनआरवी वाला पूछा था, अब जो है वो सेल वैल्यू वाला पूछा है, सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो इन सारे मेथड्स को बुक से एक मरतबा अच्छे से रीड करें ताकि अगर इनमें से कोई भी एक एमसीक्यूज आती है तो वो सॉल्व हो सके। तो इसमें क्या पूछा गया है, द डैश एलोकेट्स ज्वाइंट प्रोडक्शन कॉस्ट बेस्ड ऑन ईच प्रोडक्ट सेल ऑफ रेवेन्यू एट ए स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो इसका ऑप्शन सी है, ये सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ मेथड जो है उसमें ऐसा होता है। 69 क्या है, व्हेन एक्चुअल प्राइस इज हायर और लोअर देन द स्टैंडर्ड प्राइस देन इट इज। अच्छा, यहाँ पे प्राइस के बारे में बोला गया है कि प्राइस का डिफरेंस ले रहे हैं, एक्चुअल प्राइस और स्टैंडर्ड प्राइस। तो प्राइस का जो डिफरेंस है वो सेल प्राइस वेरिएंस में होता है, वॉल्यूम वेरिएंस में क्या होता है कि क्वांटिटी का डिफरेंस आ रहा होता है, ठीक है। ये सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस में भी क्या होता है कि क्वांटिटी का डिफरेंस आ रहा होता है, लेकिन जो प्राइस वेरिएंस है उसमें प्राइस का डिफरेंस आ रहा है, एक्चुअल प्राइस और स्टैंडर्ड प्राइस। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोड्यूस अ यूनिट इज 70, स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोड्यूस अ यूनिट इज 80 आवर्स एंड स्टैंडर्ड टाइम पर आवर इज 100। एक्चुअल टाइम कितना लग रहा है, 90 घंटे, और एक्चुअल रेट क्या है, 110 का। तो डिटरमाइन लेबर कॉस्ट वेरियंस, तो लेबर कॉस्ट वेरियंस का फॉर्मूला क्या है, इक्वल्स टू स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट, ये फॉर्मूला है। तो स्टैंडर्ड आवर्स कितने दिए हुए हैं, 80, स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है 100, 80 × 100 ये माइनस हो जाएंगे इससे। एक्चुअल आवर्स कितने दिए हुए हैं, 90, और एक्चुअल रेट दिया हुआ है 110 का, 90 × 110। तो इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो अगर माइनस में आ रहा है तो अनफेवरेबल है, 1900 अनफेवरेबल, 1900 अनफेवरेबल, 70 करेक्ट हो जाएगा। ये फॉर्मूला बिल्ड ही बने हुए ऐसे हैं कि अगर माइनस में आंसर आए तो अनफेवरेबल, प्लस में आंसर आए तो फेवरेबल।
अच्छा बहुत सारी जगहों पे। अच्छा ये तो कॉस्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला है, इसमें तो मसला नहीं है, लेकिन लेबर रेट और एफिशिएंसी वेरिएंस में क्या होता है कि कॉमन लेके कर रहे होते हैं, तो मशवरा यही है कि इस पूरे फॉर्मूले को अच्छे से याद करके रखें, समझ के रखें। इसमें पूरा स्टैंडर्ड की बात हो रही है, ये जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था, स्टैंडर्ड आर इंटू स्टैंडर्ड, उसको हम कंपेयर करा रहे हैं जो एक्चुअल घंटे लगे और एक्चुअल जो हमारा लेबर को हमने पे किया उससे। तो -1900 मतलब अनफेवरेबल, सी करेक्ट हो जाएगा। 71 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट लेबर आइडल टाइम। तो लेबर आइडल टाइम में क्या होता है कि लेबर तो अवेलेबल है लेकिन कोई मशीन वगैरह नहीं चल रही या किसी वजह से काम नहीं ले पा रहे हैं उससे हम। ऐसा नहीं है कि लेबर है ही नहीं या लेबर सुस्त काम कर रही है, लेबर सुस्त काम जो कर रही होती है ना वो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में आ जाती है। तो देखते हैं, लेबर आइडल टाइम वेरियंस इज नॉट कॉज बाय नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की वजह से नहीं होता। लेबर आइडल टाइम वेरियंस इज मेजर एट एबनॉर्मल आइडल आवर्स। अच्छा फिर एक्चुअल आर्ली रेट इंटू, फिर है लेबर आइडल टाइम वेरियंस इज ऑलवेज अनफेवरेबल और एडवर्स। बिल्कुल लेबर आइडल टाइम वेरियंस का फॉर्मूला बिल्ट ही ऐसे हुआ हुआ है कि उसका हमेशा आंसर जो है वो अनफेवरेबल ही आएगा। तो इसका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस वुड बी इंक्लूडेड इन, भाई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं ना वो हमारे नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स होते हैं। तो ना ये प्राइम कॉस्ट में आएंगे, ना मैन्युफैक्चरिंग में आएंगे, ना फिक्स कॉस्ट में आएंगे, ये हमारे नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स में चले जाएंगे। 72 का सी। इन अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म द स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल वॉज सेट एट 10 kg एंड स्टैंडर्ड प्राइस वॉज फिक्स एट 2 per kg। द एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम वॉज 12 kg एंड द एक्चुअल प्राइस पेड वॉज 1.9 per kg। डिटरमाइन मटेरियल यूजेज वेरियंस। मटेरियल यूजेज वेरियंस का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट को हम, सॉरी मटेरियल है तो इसमें हो जाएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड कॉस्ट, इसको हम माइनस करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट। क्योंकि यूजेज की बात हो रही है तो इसमें कॉस्ट को हमने सेम ही रखा है, स्टैंडर्ड कॉस्ट ही रखी है, और क्वांटिटी जो है वो हमने एक जगह स्टैंडर्ड रखी है, एक जगह एक्चुअल रखी है। क्वांटिटी का डिफरेंस ले रहे हैं हम, स्टैंडर्ड कॉस्ट को हमने कॉन्स्टेंट ही रखा है, क्योंकि मटेरियल प्राइस वेरिएंस में हमने प्राइस का एक इम्पैक्ट ऑलरेडी ले चुके हुए हैं। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमें दी हुई है 10 kg और स्टैंडर्ड प्राइस दी हुई है 2 kg, 2 per kg। और एक्चुअल क्वांटिटी हमें दी हुई है 12 kg और एक्चुअल क्वांटिटी है 12। तो यहाँ पे थे हम एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड कॉस्ट से मल्टीप्लाई करा रहे हैं। अब क्या होता है क्वेश्चन में, बहुत सारे लोग इसको एक्चुअल कॉस्ट से मल्टीप्लाई करा देते हैं 1.90 से, तो आंसर तो हमारा यहाँ से मैच हो जाएगा किसी ना किसी फिगर से, लेकिन वो गलत हो जाएगा। हमने इसको मल्टीप्लाई कराना है स्टैंडर्ड कॉस्ट से, जो कि है 2 per kg। तो डिफरेंस हमारे पास जो 4 का आया वो -4 का मतलब कि अनफेवरेबल। तो 4 अनफेवरेबल, 74 का बी सही हो जाएगा ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट एक्सप्लेन अ फेवरेबल वेज रेट वेरियंस। तो वेज रेट मतलब लेबर रेट वेरियंस की बात हो रही है, ठीक है। तो लेबर रेट वेरियंस में क्या होगा, एक्चुअल आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस कर देंगे एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट, ठीक है। रेट वेरियंस पे हमने आवर्स जो है वो एक्चुअल रखे हैं और रेट का डिफरेंस ले रहे हैं, एक जगह स्टैंडर्ड रेट रखा है, एक जगह एक्चुअल रेट रखा है, रेट का डिफरेंस ले रहे हैं ना हम इसमें। तो अब बता रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या है कि क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट एक्सप्लेन अ फेवरेबल वेज रेट वेरियंस, वुड नॉट एक्सप्लेन। क्वेश्चन देखते हैं, रिडक्शन इन पावर ऑफ ट्रेड यूनियंस। अच्छा जितना ये कम होगा एक्चुअल आर्स इंटू एक्चुअल रेट तो उतना फेवरेबल आएगा। फॉर एग्जाम्पल 10 में से अगर 5 माइनस करते हैं तो 5 पॉजिटिव में आ रहा है, लेकिन अगर 10 में से 15 माइनस करूंगा तो 5 नेगेटिव आएगा। तो जितना ये चीज कम होगी ना उतना हमारे पास फेवरेबल आ रहा होगा रेट वेरियंस। तो रिडक्शन इन पावर ऑफ ट्रेड यूनियंस की वजह से एक्चुअल आर इंटू एक्चुअल रेट कम हो जाएगा, तो जिसकी वजह से लेबर रेट वेरियंस फेवरेबल हो जाएगा।
हाई अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से भी एक्चुअल आर्स काम ही नहीं हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई इंडस्ट्रियल सेक्टर में, तो तब भी पॉजिटिव हो जाएगा। न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से लेबर फारिग कर दी, मशीनें ला के रख दी, तब भी लेबर रेट वेरियंस पॉजिटिव हो जाएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ मिनिमम वेज रेट वेज लेजिस्लेशन, तो जब हम मिनिमम वेज लेजिस्लेशन का एक कॉन्सेप्ट ले आएंगे तो जिसकी वजह से हमारा एक्चुअल रेट जो है वो बढ़ जाएगा। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन पर्पस ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। तो इन्वेंट्री कंट्रोल क्यों करते हैं कि असिस्ट इन इंटरनल ऑडिट, मिनिमाइज इन्वेंट्री कॉस्ट, अवॉइड एबनॉर्मल लॉस, इंक्रीज इन मार्केट शेयर। तो इन्वेंट्री कंट्रोल इसलिए करते हैं कि हमारी कॉस्ट कम से कम हमें पड़े इन्वेंट्री की, तो मिनिमाइज इन्वेंट्री कॉस्ट इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, फॉलोइंग डेटा इज रिलेटेड टू जॉब 3 और हमें कैलकुलेट करना है टोटल लेबर वेरियंस। तो लेबर वेरियंस को कैलकुलेट करते हैं, लेबर टोटल लेबर कॉस्ट वेरियंस का क्या फॉर्मूला होगा? स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट। स्टैंडर्ड जो हमने सेट किया वो होगा स्टैंडर्ड आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट, उसको हम कंपेयर कराएंगे एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट से। तो स्टैंडर्ड आवर्स दिए हुए क्वेश्चन में 80, स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ क्वेश्चन में 100, एक्चुअल आवर्स दिए हुए हैं 75K और एक्चुअल रेट दिया हुआ है 105 का। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आया? 125 पॉजिटिव मतलब फेवरेबल, तो 125 फेवरेबल ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अफेवरेबल लेबर वेरियंस कंबाइंड विद एन एडवर्स वेज रेट वेरियंस वुड बी कॉज बाय। तो क्या कह रहे हैं कि फेवरेबल लेबर वेरियंस कंबाइंड विद एन एडवर्स वेज रेट वेरियंस, तो एडवर्स वेज रेट वेरिएंस का क्या मतलब है कि लेबर रेट वेरिएंस जो है वो नेगेटिव आया हुआ, मतलब कि जो हमारा एक्चुअल रेट होगा वो ज्यादा आ रहा होगा जिसकी वजह से एडवर्स आ रहा है वेज रेट वेरिएंस। तो क्या है, हाई हायर अनएम्प्लॉयमेंट इन लोकल इकोनॉमी? नहीं, ये अगर होती तो लेबर वेरियंस में भी मसला आता, लेकिन वो फेवरेबल है। इंट्रोडक्शन ऑफ परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे हो गया। उसके बाद है कॉस्ट कटिंग एक्सरसाइजेज इंप्लीमेंटेड बाय मैनेजमेंट, इसकी वजह से तो एडवर्स नहीं होता, मतलब नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता है इसमें। तो चीपर रॉ मटेरियल, ये तो रॉ मटेरियल मतलब ये मटेरियल वेरियंस में ऑप्शन आएगा। तो इंट्रोड्यूस इंट्रोडक्शन ऑफ परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, तो इसमें क्या होगा, जब हमने एक पे स्कीम बनाई तो इसमें हम लेबर को पे करेंगे, ज्यादा पे कर रहे होंगे, जो स्टैंडर्ड सेट किया हुआ होगा उससे ज्यादा पे कर रहे होंगे, तो जिसकी वजह से एडवर्स वेज रेट वेरिएंस आ रहा होगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा इसका, 79 है। इफ देयर इज अ फेवरेबल मटेरियल प्राइस वेरिएंस देन दिस कुड बी ड्यू टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस, इसलिए फेवरेबल आ रहा है। मोर वेस्टेज ऑफ मटेरियल इनकर्ड, एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन इफ मटेरियल्स आर इंपोर्टेड, हायर वेज कॉस्ट, इंफीरियर क्वांटिटी मटेरियल बीइंग यूज्ड। अच्छा, तो प्राइस वेरिएंस में क्या होता है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस में प्राइस का डिफरेंस ले रहे होते हैं, जो स्टैंडर्ड प्राइस रखी हुई होती है उसको कंपेयर करा रहे होते हैं एक्चुअल प्राइस से। तो एक्चुअल प्राइस जितनी कम से कम होगी उतना फेवरेबल आ रहा होगा, ठीक है। तो एक्चुअल प्राइस कम की वजह एक ये हो सकती है कि इंफीरियर क्वालिटी, मतलब पहले जो है 1,000 रुपीज की चीज क्वांटिटी खरीद रहे थे, अब वो 900 की खरीद रहे हैं, तो 100 रुपीज हमें कम में पड़ रही है, वो इंफीरियर क्वालिटी हमने बाय करी है, तो जिसकी वजह से हमारा मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो है वो फेवरेबल आ रहा है। 79 का डी हो जाएगा। 80 है, डैश कॉस्ट आर ट्रांसफर टू वर्क इन प्रोसेस, तो जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट होती है वो ट्रांसफर हो रही होती है मटेरियल वर्क इन प्रोसेस में, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल भी आ जाती है, डायरेक्ट लेबर भी आ जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सिर्फ डायरेक्ट लेबर का है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है स्टैंडर्ड कॉस्ट आर यूजफुल इन एस्टेब्लिशिंग बजट्स, सपोर्टिंग कॉस्ट ऑफ रिडक्शन मेजर्स, बजट तैयार करते हैं, कॉस्ट रिडक्शन मेजर्स प्रिपेयर करते हैं में मदद होती है, हेल्प मिलती है, सिंप्लीफाइंग कॉस्ट प्रोसीजर्स, बिल्कुल। तो इसका ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द अबव, तीनों सही है। 81 का डी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज द प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड देयर कंपैरिजन विद
एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट का कंपैरिजन जो होता है वो हम कर रहे होते हैं एक्चुअल कॉस्ट के साथ, एंड द एनालिसिस ऑफ वेरिएंसेस का एनालिसिस कर रहे होते हैं। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट का कंपैरिजन मार्जिनल कॉस्ट के साथ नहीं, वेरिएंस के साथ नहीं, एक्चुअल कॉस्ट। ऑप्शन सी हमारा सही है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट का जो है वो कंपैरिजन कर रहे होते हैं एक्चुअल कॉस्ट के साथ और एनालाइज कर रहे होते हैं वेरिएंसेस को। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। If the company produces two products X and Y in a single joint process, last month the joint cost were 75,000, then 10,000 units of product S and 15,000 units of product Y were produced. Additional processing cost जो लगी है वो 15,000 लगी है product X पे, 10,000 लगी है product Y पे। प्रोडक्ट वाई पे प्रोडक्ट सेल एक्स जो है वो सेल हो रहा है 10 रुपये का और प्रोडक्ट वाई जो है वो सेल हो रहा है 5 रुपये का। तो ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेशन टू प्रोडक्ट एक्स एंड वाई यूजिंग द एनआरवी मेथड। तो एनआरवी नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में से एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल्स को माइनस कर देते हैं। तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कितनी है प्रोडक्ट एक्स की भी, इसको एक मरतबा प्रोडक्ट एक्स के लिए सॉल्व कर लेते हैं और एक मरतबा प्रोडक्ट वाई के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स की जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी दी हुई है? प्रोडक्ट एक्स की सेलिंग प्राइस 10 रुपीज दी हुई है, 10 रुपीज, और एक्स के जो यूनिट्स बने हैं 10,000 यूनिट्स बने हैं। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी आ रही है? एडिशनल कॉस्ट जो लगी है हमारी 15,000 की लगी है प्रोडक्ट एक्स पे। तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट अगर हटा दूं तो 85,000 आ गई एक्स की एनआरवी। उसके बाद वाई के लिए करते हैं, सेलिंग प्राइस जो है 5 × यूनिट्स कितने हैं? यूनिट्स हैं 15,000 और कॉस्ट जो लगी है वो लगी है, एडिशनल कॉस्ट लगी है प्रोडक्ट वाई पे 10,000 की। तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट अगर हटा दूं तो 65,000 की आ गई। ये हमारे पास दोनों की एनआरवी आ गई। अब एक्स की एनआरवी है 85,000, इसको मैं अगर यहाँ लिखूं एक्स की है 85,000, वाई की है 65,000, और टोटल करूं अगर एनआरवी का तो 1,50,000 की हमारे पास टोटल आ गई। अब इसको एनआरवी को ज्वाइंट कॉस्ट में एलोकेट करते हैं। ज्वाइंट कॉस्ट टोटल दी हुई है 75,000 की, 75,000 की ज्वाइंट कॉस्ट है। मल्टीप्लाई कराऊंगा, पहले मैं एक्स को एलोकेट कर रहा हूँ, 1 मिनट। 75,000 की ज्वाइंट कॉस्ट है, मल्टीप्लाई कराऊंगा एक्स की अपनी जो एनआरवी होगी और डिवाइड कराऊंगा उसकी टोटल एनआरवी से जो एक्स वाई की टोटल है। तो इस तरह से एलोकेट होगी। सिमिलरली वाई के लिए भी अगर मैं करूँ तो 75,000 की ज्वाइंट कॉस्ट है, मल्टीप्लाई कराऊंगा वाई से, डिवाइड कराऊंगा टोटल से, तो 32,500 ही होगी। तो एक्स की आ गई 42,500, वाई की आ गई 32,500। तो ऑप्शन बी इसमें हमारा सही हो जाएगा, 83 का 2 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट आर मेन कंपोनेंट ऑफ डैश कॉस्टिंग। इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है मेन कंपोनेंट कहाँ पे यूज हो रही होती है सबसे ज्यादा? इनडायरेक्ट कॉस्ट प्रोसेस कॉस्टिंग में नहीं, बैच में, जॉब में नहीं, सर्विस जो हमारी कॉस्टिंग होती है, ये इससे पहले वाले एमसीक्यूज में भी एक मैंने डिटेल में बताया था कि सर्विस कॉस्टिंग में जो है इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है वो सबसे ज्यादा लग रही होती है हमारी। 85 का ऑप्शन क्या है? कॉस्टिंग सिस्टम कैन इजिली आइडेंटिटी कॉस्ट रिलेटेड टू स्पेसिफाइड एंड कस्टमर ऑर्डर। डैश कॉस्टिंग सिस्टम कैन इजिली आइडेंटिटी कॉस्ट रिलेटेड टू स्पेसिफाइड एंड कस्टमर। तो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग जो होती है वो कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाती है। जॉब ऑर्डर जो है हर जॉब के हिसाब से एक अलग प्रोडक्ट बन रहे होते हैं। तो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग इसका ऑप्शन हो जाएगा 85 का डी। सर्विस इंडस्ट्रीज इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट हॉस्पिटल जो एक सर्विस है, हाई स्कूल में भी सर्विस प्रोवाइड हो रही है, एयरलाइंस इंडस्ट्री में भी सर्विस प्रोवाइड, सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो सर्विस इंडस्ट्री नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी है। कंटिन्यूस ऑपरेशन कंसिस्ट कॉस्टिंग इंक्लूड, किधर होता है कंटिन्यूस ऑपरेशन? प्रोसेस कॉस्टिंग में।
कंटिन्यूस ऑपरेशन कॉस्टिंग इंक्लूड्स, कंटिन्यूस ऑपरेशन कहाँ पे चल रहे होते हैं? सर्विस कॉस्टिंग में। जॉब और बैच कॉस्टिंग में क्या होता है कि एक स्पेसिफाइड जॉब आती है, उसके ऊपर काम होता है, खत्म हो जाती है, कंटिन्यूस ऑपरेशन नहीं होता। सर्विस कॉस्टिंग में कंटिन्यूस ऑपरेशन चल रहे होते हैं, और पीरियोडिक में भी यही होता है, एक पीरियड तक होती है फिर खत्म हो जाती है, और इसमें भी नहीं होता। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर है प्रोसेस कॉस्टिंग में नॉट बी सुटेबल फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेंट इंडस्ट्री, फूड प्रोडक्ट्स। तो किसी जगह भी ये प्रोसेस कॉस्टिंग सुटेबल नहीं लग रहा, क्योंकि सारी जो है वो क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट जो है वो आइडेंटिकल नहीं बन रही, जबकि प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है, ईच यूनिट जो होता है प्रोडक्ट का वो आइडेंटिकल होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी है, कोई भी सही नहीं है, मे नॉट बी सुटेबल। फिर है प्रोसेस कॉस्टिंग इज अ फॉर्म ऑफ, प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होता है, कंटिन्यूस ऑपरेशन होती है कॉस्टिंग, तो थ्री इसका सही है। फिर है सुल्तान लिमिटेड, मंथली फिक्स स्पेंडिंग इज 2 मिलियन एंड द प्रोडक्ट इज सोल्ड 110 पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दी हुई है। वन टेन। फिर उसके बाद बैच इनपुट क्वांटिटी इज 5,000 एट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 20 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट कितनी दी हुई है, 20 पर यूनिट। फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इफ 6 बैचेज आर प्रोड्यूस, तो पर यूनिट की हमारे पास सेल में से अगर वेरिएबल कॉस्ट हटा दें तो पर यूनिट कॉस्ट आ गई 90। ठीक है, अब ये पर यूनिट कॉस्ट जो है, अगर मैं 90 को 5,000 से मल्टीप्लाई करूं तो ये एक बैच की मेरे पास आ गई, ठीक है, 450,000 एक बैच की आ गई। अब इस 450,000, ये एक बैच की है, इसको मैं मल्टीप्लाई कराऊं, अगर मुझे 6 बैच की चाहिए उससे, तो ये आ गई हमारे पास 6 बैच की। ठीक है, ये 6 बैच की हमारे पास कॉस्ट आ गई। अब इसमें से मैं फिक्स कॉस्ट को अगर हटा दूं 2 मिलियन की, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 7 मिलियन की कॉस्ट, 700,000 की हमारे पास कॉस्ट बच गई। कैसे आई, 2.7 मिलियन में से 2 मिलियन मैंने हटा दिया तो 7 लाख बच गया, तो ऑप्शन वन हमारा सही हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मसला आता है कि यहाँ 450 आ जाता है तो ऑप्शन बी करेक्ट कर देते हैं, जबकि ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है 450,000, ये एक बैच की कॉस्ट है, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया पहले 6 बैच से, तो ये 6 बैच की कॉस्ट आ गई 2.7 मिलियन, और फिर हमें प्रॉफिट तक जाना है। अगर सीएम तक होता तो ये आंसर हो जाता, हमें प्रॉफिट तक जाना है, तो प्रॉफिट तक जाने के लिए फिक्स कॉस्ट को भी माइनस करना पड़ेगा, तो 7 लाख आंसर आ जाएगा, ऑप्शन वन हमारा सही हो जाएगा। फिर है बिलाल इंटरप्राइजेस हैव कैलकुलेटेड प्राइस ऑफ देयर जॉब सी एज फॉलोज, व्हाट परसेंटेज दे आर अर्निंग ऑन सेल्स अमाउंट। ठीक है, तो ये अभी परसेंटेज लगी हुई है कॉस्ट पे, हमसे रिक्वायर्ड कर रहे हैं सेल्स की अमाउंट पे क्या परसेंटेज आएगी। तो अगर मैं यहाँ पे समझाऊँ कि सेल्स कॉस्ट प्रॉफिट, सेल्स में से कॉस्ट हटा देते हैं तो प्रॉफिट आ जाता है। तो अभी जो है, जो करंट सिनेरियो में क्या चल रहा है, 25% ऑफ कॉस्ट पे चल रहा है, 25% प्रॉफिट है, तो कॉस्ट इसका मतलब 100% हुई, क्योंकि ऑन कॉस्ट है, जिसके ऊपर लग रहा होता है वो चीज़ 100% हो जाती है, तो ये 100 हो गई। तो सेल्स कितनी होगी, सेल्स 125 होगी, जब भी तो 125 में से 100 माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो इस तरह से ये अभी करंट सिनेरियो है, ये मैंने ये तीनों चीज़ें परसेंटेजेस में है, ये तीनों चीज़ें परसेंटेजेस में। अब वो कह रहे हैं कि अर्निंग ऑन सेल्स अमाउंट क्या होगी, तो ये अगर 25 को मैं डिवाइड करा दूं सेल्स से, तो अगर कोई चीज 25% ऑन कॉस्ट है तो वो 20% ऑन सेल्स होगी। तो ये 0.2 का मतलब क्या है, 20%, इसको 0.2 को 100 से अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूं तो 20% हमारे पास आ गई सेल्स की अमाउंट, अर्निंग ऑन सेल्स अमाउंट। कैसे आई, ये 25% अगर कॉस्ट पे है, अगर मैं इस 25% को 125 से डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब सेल्स की अमाउंट से, तो 20% हमारे पास आ जाएगी, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इन प्रोसेस टू, 1 मिलियन वर इनकर्ड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ 20,000 यूनिट्स, 1 मिलियन इनकर्ड हुए हैं फर्दर प्रोसेसिंग के लिए 20,000 यूनिट के लिए, तो पर यूनिट की अमाउंट क्या आएगी, कॉस्ट को डिवाइड कराऊँ अगर मैं यूनिट से, तो पर यूनिट 50 आ गया। टेकिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ प्रोसेसेस टू रुपीज 90, वो क्या कह रहे हैं कि
जो ट्रांसफर हुई है प्रोसेस टू में, जो इनकर्ड हुई है 1 मिलियन की कॉस्ट, और 20,000 यूनिट्स जो ट्रांसफर हुए हैं प्रोसेस वन से, तो पर यूनिट कॉस्ट जो 50 आनी चाहिए थी वो अब हो गई 90। ठीक है, तो अब हमसे पूछ रहे हैं कि प्रोसेस वन की कॉस्ट बताएं, प्रोसेस वन पे कितनी कॉस्ट आई होगी। तो पहले मैं टोटल कॉस्ट पे चले जाता हूँ, यहाँ से 90 से 20,000 यूनिट्स हैं, ये तो 90 ही थी, तो अगर मैं 20,000 यूनिट्स इंटू 90 करूँ तो ये टोटल आ गई। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं तो पता चल जाएगा प्रोसेस वन से कितनी आई है। प्रोसेस वन से हमारे पास 8 लाख की कॉस्ट आई है, तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक हेल्प द मैनेजमेंट इन डिसाइडिंग प्राइसिंग में भी हेल्प होती है, एक्सेप्ट फ्रेश ऑर्डर एट लो प्राइस पीपल टू मेक और बाय डिसीजन में भी काम आती है। बिल्कुल, तो ऑल ऑफ दी अबव ऑप्शन हो जाएगा डी। 94 है आउटपुट ऑफ शू मेकिंग फैक्ट्री वॉज फिनिश्ड गुड्स ऑफ 4,000 यूनिट्स एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ 600 यूनिट्स, जो कि 40% कम्प्लीट हैं। तो एक तो कंप्लीटेड यूनिट्स आ जाएंगे वो हैं 4,000, और क्लोजिंग इन्वेंट्री के जो यूनिट्स हैं वो हैं 600, जो कि 40% कम्प्लीट हैं। तो टोटल हमारे पास कितने यूनिट हो गए, इक्विवेलेंट यूनिट जिन पे अभी और कॉस्ट लगनी है, वो है 4,240 के। तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है एक्स वाई जेड कंपनी प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट विच हैज नो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, मटेरियल कॉस्ट ₹4,500। तो मटेरियल की जो कॉस्ट है वो है 4,500, लेबर की जो कॉस्ट है वो है 4,500, और जो हमारे पास अदर कॉस्ट है वो है 6,000। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, टोटल मैं अगर इन सबको ऐड कर दूं, टोटल कॉस्ट 15,000 की टोटल कॉस्ट आ गई। इसको अब मैं यूनिट से डिवाइड करा दूं अगर, तो यूनिट्स हैं हमारे पास 850 के, तो पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी जो कि है 33.33। तो ऑप्शन ए हमारा इसमें सही हो जाएगा 95 का। नेक्स्ट है कंपनी मैन्युफैक्चर 1,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स पर ईयर, कॉस्ट डेटा इज गिवन बिलो, डायरेक्ट मटेरियल है, लेबर है, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है। बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन द वेरिएबल कॉस्ट टू मैन्युफैक्चर 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट है। तो जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट हम कलेक्ट कर लेते हैं, वेरिएबल कॉस्ट है पहली मटेरियल की, लेबर की और वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग, इसको ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये फिक्स कॉस्ट है। तो 5, 4 प्लस 3 टोटल 12, 12 की हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आ गई। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है प्रोसेस कॉस्टिंग इज मोस्ट सुटेबल इन इंडस्ट्री, ये भरे पड़े हैं इस तरह के क्वेश्चन, शुरू से अभी तक मल्टीपल क्वेश्चन आ चुके हैं। तो कंटिन्यूस ऑपरेशन यहाँ पे भी हो रहा होता है, सिंगल प्रोडक्ट बन रहा होता है और कंटिन्यूस ऑपरेशन हो रहे होते हैं वहाँ यूज होता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज नॉट इंक्लूडेड वाइल कंप्यूटिंग यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट अंडर वेरिएबल कॉस्टिंग, वेरिएबल कॉस्टिंग में कौन सी कॉस्ट को हम ऐड नहीं करते, मटेरियल को ऐड करते हैं, लेबर को ऐड करते हैं डायरेक्ट, वेरिएबल को ऐड करते हैं, फिक्स को ऐड नहीं करते, जैसा कि हमने यहाँ पे भी किया था, डायरेक्ट मटेरियल ऐड किया, डायरेक्ट लेबर ऐड किया, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ऐड किया, लेकिन फिक्स को ऐड नहीं किया, तो यहाँ पे भी ऐसे किया। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, क्यों, क्योंकि वो पूछा है कि नॉट इंक्लूडेड, तो फिक्स कॉस्ट नहीं आती। नेक्स्ट है लेबर्स में नॉट बी रिटेन्ड, लेबर्स नहीं रुकेंगे इवन आफ्टर प्रोमोशन कर दो, अच्छा एनवायरनमेंट उनको दे दो, लर्निंग पोटेंशियल दे दो, क्या क्या रीजन की वजह से नहीं रुकेंगे वो, या तो रिलोकेशन हो जाए, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान से इंडस्ट्री उठा के अफगानिस्तान लेके जा रहे हैं, तो वो तो भाई छोड़ देगा चाहे उसको जितनी मर्जी सैलरी दे दो। फैमिली प्रॉब्लम है अगर कोई, तब भी छोड़ देगा लेबर, रिटायरमेंट हो रही है तो तब भी छोड़ देगा, तो सारे ऑप्शन इसमें करेक्ट हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट नेट पे इज ऑब्टेन्ड व्हेन, नेट पे क्या होती है, एक होती है ग्रॉस सैलरी, ठीक है उसमें से टैक्स वगैरह कट जाता है, कोई डिडक्शंस होती हैं वो कट जाती हैं, तो नेट अमाउंट मिल जाती है। तो नेट अमाउंट क्या है, जिसमें सारे डिडक्शंस माइनस हुई हुई हों, तो डिडक्शंस आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ग्रॉस पे, तो ऑप्शन थ्री सही है इसमें। तो इस तरह से हमने पूरे 100 क्वेश्चन कर लिए हैं, इनको अच्छे तरीके से पेपर से पहले लाजमी एक मरतबा रिविजन करनी है सारे क्वेश्चन की, क्योंकि इस तरह से इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं और इस टाइप के भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं पेपर में। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।